हेलो एवरीवन, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। माई सेल्फ फिरदोसी। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू इन अवर सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर नंबर 3, द शेफर ट्रेजा। सो लेट्स स्टार्ट। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी विल स्टॉप, वी वर कंप्लीटेड अवर हियर। इन द टुडेज वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सेकेंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। Though still tired, the king decided to depart the next morning. अब बहुत लंबे आराम के बाद किंग जो है वो थका हुआ था, बट उसने क्या किया तो उसने वहां से जाने के लिए सोच लिया। He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." तो अब जो किंग है उसने कहा कि तुमने मुझे बहुत अच्छे से मेरी खातिरदारी की है, और तो मैं अब यहाँ से मुझे बहुत लंबे रास्ते पे जाना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो अब मुझे आप परमिशन दो कि मैं यहाँ से जा सकूँ। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर रिप्लाई, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। अब यहाँ पे क्या होता है, तो जो शेफर्ड है वो जो किंग है उसकी आईज में स्ट्रेट देखते हुए वो कहता है कि आपने जो मुझे ये, आपको मैं थैंक यू कहता हूँ क्योंकि आपने मुझे ये खातिरदारी के लिए मौका दिया, योर मैजेस्टी, यानी उसको पता चल गया कि ये किंग है। द किंग वॉज एस्टोनाइज एज वेल एज प्लीज। अब किंग जो है वो हैरान भी हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। He is indeed very wise, he thought to himself. अब वो जो खुश हो गए हैं वो अपने आप से, जो शेफर्ड है उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अपने आप से बात करके सोचते हैं, I need people like him to work for me. मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे, क्योंकि जो शेफर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा वाइस और विजडम था। And the king appointed this humble shepherd to governor of a small district. तो जो शेफर्ड है उसने, शेफर्ड को जो किंग ने उसे अपॉइंटमेंट कर लिया उसके एज अ गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के लिए। ऑल्थो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द शेफर्ड रिमेन एज अ हम्बल एज एवर। अब क्या हो गया कि उसकी डिग्निटी और पावर की वजह से वो कुछ ही टाइम में वहाँ पे फेमस हो जाता है। पीपल लव एंड ऑनर हीम फॉर हिज विजडम, सिंपथी एंड गुडनेस। पीपल जो है वो उनके ऑनर, उनके विजडम और सिंपथी के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा चाहने लगे थे। He was a king and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. और कुछ ही वक्त में वो एक फेम, फेयर एंड वाइज गवर्नर के तरीके पूरे जो कंट्री है उसमें वो फेमस हो जाते हैं, फेम यानी फेमस टाइप्स हो जाते हैं। नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रो terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो दूसरे गवर्नर होते हैं वो जब ये वाइज एंड विजडम शेफर्ड के बारे में सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, और वो जो है वो राजा को उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काने जाते हैं। They said he is very dishonest and keeps for himself a part of the money that he collects as a tax from the people. और वो राजा को कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा dishonest है, और वो उसके अपने साथ में जितना भी जो टैक्स जो लिया जाता है पीपल के पास से कलेक्ट करता है उसमें से कुछ थोड़े से पैसे वो अपने पास ही रख लेता है। Why did he always carry with him, they added, an iron chest? वो क्यों हमेशा अपने साथ में एक iron chest लेके घूमता है? Perhaps he carried it the treasure that he had secretly collected. क्योंकि वो इसलिए रखता है क्योंकि जो treasure है वो उसका treasure है, उसमें वो secretly जो भी collect किए हुए मनी मनी रहते हैं वो उसमें रख देता है, इसलिए वो हमेशा एक
जो आयरन चेस्ट है अपने साथ में लेके घूमता है। आफ्टर ऑल दिस सेड मोकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। और वो राजा को ये भी कहते हैं कि वो ऐसे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो वैसे भी वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है, इसलिए ये बिहेवियर उसका रहेगा ही, वो अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकता, अच्छा नहीं बन सकता। नाउ वी रीड द समरी। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। तो आगे हम इतनी चीज़ें पढ़ेंगे, सो वी कंटिन्यू आवर स्टोरी। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherds? अब जो king है वो पहले तो जो दूसरे governor, जो wise wisdom governor है, उनके बारे में जो बात करते हैं उसको ignore करते हैं, उसकी भी report पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कब तक राजा भी ये सब governor की बातें वो ignore करते, तो वो ये स्टोरी सुन सुन के वो थक चुके थे, वो भी कब तक इग्नोर करते हैं। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हीम ऑल द टाइम। फिर उन्होंने भी ये बात का सोचा, डिस्कवर और देखा उन्होंने छुपके, तो उनको पता चला कि ये जो नया गवर्नर है वो ऑलवेज ही अपने साथ में जो है वो आयरन चेस्ट रखते ही है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। समन यानी बुलाया, किसको बुलाया, जो न्यू गवर्नर है उसे पैलेस में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरी वन डेलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टनेड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। अब क्या हुआ, जो न्यू गवर्नर है वो वहाँ पे पैलेस में आते हैं, किसके ऊपर, तो कैमल के ऊपर बैठ के पैलेस में आते हैं। एवरीवन उनको देखने के लिए बहुत ही डेलाइट होते हैं कि, और फिर बाद में वो देखते हैं कि वो जब आते हैं तो उनके साथ में वो आयरन चेस्ट भी लेके ही आते हैं जो कैमल्स की बैक पे रखा हुआ रहता है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, किंग बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। ही थंडर्ड Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? जो राजा है वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से होके कहते हैं कि क्यों आप हमेशा अपने साथ में iron chest रखते हो, आखिर उसमें ऐसा तो क्या रखते हो आप, उसमें क्या है। The governor smile, गवर्नर हंसते हुए कहते हैं। He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. जो गवर्नर है वो सर्वेंट को कहते हैं कि जाओ और मेरे जो आयरन चेस्ट है उसको लेके आ जाओ। और जितने भी पीपल वहाँ पे रहते हैं वो सब यही सोचते कि अब यहाँ पे ये चेस्ट में से क्या निकलेगा। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. और जब चेस्ट जो है उसको ओपन की जाती है तब सब शॉक हो जाते हैं, सब सोच में पड़ जाते हैं। No gold or no silver or jewels but an old blanket was all that come out. अब वह जो चेस्ट थी उसको जब ओपन कर किया तो उसमें कोई गोल्ड नहीं था, कोई सिल्वर नहीं था और ना ही कोई जेवल्स थे अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेज दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी। अब जो किंग को जो शेफर्ड है वो कहते हैं कि देखो राजा ये मेरा रियल ट्रेजर है, इसमें कोई भी जेवल्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये ही मेरा जो ट्रेजर है, खजाना है, वो ये है।
But why do you carry such an ordinary blanket with you? अब राजा कहते हैं कि बट आप ये एक आम ऑर्डिनरी ब्लैंकेट लेके क्यों घूमते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. क्या सच में आप ये डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो? तो फिर आप ये ऑर्डिनरी ब्लैंकेट लेके क्यों घूमते हो? द किंग आज ऐसा राजा ने कहा. टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद द क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स. आप शेफर्ड ने कहा कि ये मेरा जो ब्लैंकेट है ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, ये हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है, और जब आप आपके नए वाले जो क्लॉक्स है क्लोथ्स है क्लॉक है चीज़ है वो ले लोगे, फिर भी ये मेरा पुराना दोस्त मेरे साथ में ही रहेगा. हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बर्स द जेलस गवर्नर्स बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई. अब ये बात सुन के मैजेस्टी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो जो जेलसी गवर्नर है उनको बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है और ये बहुत ही ज़्यादा विजडम है वाइज है. नाउ दे नो दैट द शेफर्ड वॉज अ इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइसेस्ट मैन इन द लैंड. अब सबको पता चल गया था कि ये सबसे ज़्यादा हम्बल और वाइजेस्ट मैन है पूरे लैंड में. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. और फिर राजा ने वो शेफर्ड को छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बड़े वाले डिस्ट्रिक्ट में एज अ गवर्नर तरीके उनको अपॉइंट किया. इतने राजा वो शेफर्ड से खुश हो गए उसके विजडम से और ऑनेस्टी से. सो दिस इज अवर स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट वन कंप्लीटेड हियर. In the next video, we'll continue to our question answer of this chapter. So, read this story and bye bye. Take care. Thank you.